हाय फ्रेंड्स, राउत टेक्निकल को आपको स्वागत है। आज सबको गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक नया दमदार ट्रिक सीखेंगे यार, जो MIS का बेस होगा। आपको पता ही होगा पाइवट टेबल में। आज हम जो सीखेंगे, आप तो पाइवट टेबल जानते हो। अगर जो नहीं जानते हो, मैं पाइवट टेबल नेक्स्ट वीडियो में आपको डाल दूंगा। पाइवट टेबल क्या है, उसका फंक्शन क्या है। जो अभी जो मैं बता रहा हूँ वो एडवांस फंक्शन है, मतलब पाइवट टेबल तो सब यूज करते हैं, लेकिन ये जो मैं ट्रिक बताऊंगा ये थोड़ा हटके होगा। ठीक है, तो हम टाइम खटी नहीं करेंगे, चले कोर्स पे चलते हैं, देखते हैं आज का ट्रिक क्या होगा। ठीक है, तो प्लीज़ यार लाइक तो बनता है यार, सब्सक्राइब प्लीज़। तो चलते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे एक्सेल में कुछ डाटा लिया है। ठीक है, तो मैं ये डाटा को पाइवट टेबल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। मतलब पाइवट टेबल मतलब क्या होता है कि हम फिल्टर करके डायरेक्ट सम होना चाहिए। ठीक है, तो पाइवट टेबल लेने के लिए पहले मैं इंसर्ट में जाऊँगा। ठीक है, याद रखना इंसर्ट। ठीक है, इसमें देखिए पाइवट टेबल राइट कर्नल में, लेफ्ट कर्नल में सॉरी, उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अगर जब मैंने पाइवट टेबल सिलेक्ट करता हूँ, देख ऑटोमेटिक वो डिटेक्ट कर लेता है, मतलब आपका जो वैल्यू है वो कहाँ पे है वो डिटेक्ट कर लेता है। मतलब आपका जो टेबल आ रहा है वो टोटल को डिटेक्ट, मतलब पता है ना एक्सेल में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताइए, वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए ये सिलेक्ट होने के बाद, देखिए यहाँ पे और कुछ फंक्शन दिया गया है। मैं जब प्राइवेट टेबल के बारे में पढ़ाऊँगा तो उसमें डिटेल्स बता दूंगा, थोड़ा सा अभी बता देता हूँ। ये छोटा सा मतलब यहाँ में लिखा हुआ है यूज एक्सटर्नल डाटा सोर्स। मतलब आप अगर एक्सेल पे डाटा नहीं है, अदर सोर्स में डाटा है, कोई भी SQL बारे में आपको पता ही होगा, मैं जल्दी एक्सेल बारे में पढ़ाऊँगा, एक्सेल खूब से आने वाला है। ठीक है, लेकिन थोड़ा एक्सेल में बारे में बताने दो। एक्सेल में जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम एडवांस में जाएंगे, क्योंकि अगर मैं एडवांस बता दूंगा तो आपका एक्सेल बारे में कुछ मतलब एडवांस बताएंगे तो आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आपको बेसिक से धीरे 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 एडवांस लेवल को ले जाऊँगा। ठीक है, तो अब अभी क्या करते हैं, देखिए अब जब सिलेक्ट प्राइवेट टेबल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू वर्कशीट। मतलब आप न्यू वर्कशीट के ये डाटा को लेना चाहती हो या एग्जिस्टिंग वर्क। देखिए मेरे पास अभी तक कोई डाटा मतलब वर्कबुक नहीं है, तो मैं इसलिए न्यू वर्कशीट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं ओके कर देता हूँ। देखिए ये मेरा प्राइवेट टेबल आ गया। तो प्राइवेट टेबल का बेसिक काम क्या होता है, देखो मैं बता देता हूँ। मैं चाहता हूँ ये डेट डेट के हिसाब से आना चाहिए या डिपार्टमेंट के हिसाब से आना चाहिए। तो अगर मैं डिपार्टमेंट के हिसाब से लेना चाहता हूँ तो डिपार्टमेंट को रो एन छोड़ दूंगा। ठीक है, देखिए ये डिपार्टमेंट से आ गया। मतलब ये ऑटोमेटिक, अगर आपका कोई भी डाटा ज़्यादा है मतलब डबल है, तो ये ऑटोमेटिक जितना भी सिंगल होना चाहिए ये ऑटोमेटिक उसको कन्वर्ट कर लेगा। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, अगर मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, वेजेस चाहिए। ठीक है, तो वेजेस जाने के लिए मैं वेजेस को वैल्यू में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, अगर मतलब ये क्या हुआ, मैंने जो डिपार्टमेंट में लिया वहाँ पे आ गया, मतलब फॉरवर्डिंग पैकिंग प्रोडक्शन। देखिए प्रोडक्शन पैकिंग फॉरवर्डिंग, मतलब ये तीन चीज़ें, लेकिन ज़्यादा लिखा हुआ। इसमें प्राइवेट टेबल में क्या करता है, फॉरवर्ड में जितने सारे डाटा ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेता है। देखिए ये 9040 है ना, देखिए फॉरवर्डिंग में देखिए 450 और 250 और 120। देखिए मैं पैकिंग में बता देता हूँ, क्योंकि पैकिंग में कम है तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पैकिंग में 60 है। ठीक है, तो पैकिंग में देखिए 350 है, 250 है। ठीक है, हो गया ना 60, समझा। देखिए यहाँ पे 60 है ना। ठीक है, तो ऐसे ही करता है। ठीक है, तो मैं अभी जो ट्रिक बताने वाला हूँ, अगर मैं डेट वाइज भी कर लेता हूँ, चलो डेट वाइज भी कर देता हूँ। डेट वाइज देखिए ये डेट वाइज आ गया, तो चलो मैं यहाँ पर डेट को ले आता हूँ। नहीं, डेट को वहीं भी छोड़ देता हूँ। ठीक है, छोड़ो, छोटा सा ठीक है, इतना लेंदी करने से आपका समझ के बाहर आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये क्या होता है ना, ये तो कैलकुलेट होके आ गया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू ऐड कर देता हूँ, देखिए 300 हुआ ना, ये यहाँ पे कुछ ऐड हुआ गया नहीं हुआ ना, तो इसीलिए हम एक एडवांस ट्रिक में जाएंगे। ठीक है, ये कैसे ऑटो फ्रेश होना चाहिए, मतलब प्रोडक्शन में 1050 है,
देखिए, मैं इसको मतलब यहाँ पे अगर मैं वैल्यू चेंज करूँगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आना चाहिए। तो इसको करने से मैं क्या करूँगा, अगर आपका डेवलपमेंट ऑप्शन ऑफ नहीं है तो आप क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन में जाएंगे और ऑप्शन के बाद आप कस्टम रिबन पे जाइए। ठीक है, कस्टम रिबन से आप देखिए यहाँ पे, देखिए डेवलपर ऑप्शन मेरा ठीक है, लेकिन अगर आपका ठीक नहीं है तो आप यहाँ पे ठीक करके ओके कर देना। ठीक है, उसके बाद डेवलपर ऑप्शन जाने के बाद हमें देखिए विजुअल बेसिक है। ठीक है, विजुअल बेसिक क्लिक कर देते हैं। देखिए यहाँ पे वर्क्स 2 और 1 आ रहे हैं, लेकिन हम किस में करना है ये बहुत बड़ा चीज़ है। मतलब अगर मैं देखिए, मैं एक चीज़ बता दूंगा आपको, अगर वर्कशीट 1 में हम करेंगे, ठीक है, शीट 1 में करेंगे तो ये काम करेगा, क्योंकि हमारा जो वैल्यू है ना, देखिए यहाँ पे शीट 1 में है, तो इसमें रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आना चाहिए। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ठीक है, करना चाहिए और सॉरी यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देंगे, थोड़ा थोड़ा गलती तो होता है यार। एक्टिव डॉट रिफ्रेश ऑल, देखिए अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंज करूँगा ना, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाई मैंडेड कर देता, ठीक है, देखिए यहाँ पे आ गया। तो ये क्या होना, देखिए ये चीज़ अब बहुत ज़रूरी है। मतलब देखिए ये जो सीट 1 है ना, इसमें करना है, तो वो रिफ्रेश हो गया ना, आएगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको सच में अच्छा लगा तो प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले के वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।